कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में भले ही आज से सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन लोग अभी तक इसे सीरियस नहीं ले रहे, जिसके चलते सड़कों पर लोगों की आवाजाही निरंतर जारी है। बाजार में दुकानें भले बंद हों, लेकिन सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के वाहन लगातार दौड़ रहे। वहीं अगर बात करें साइबर सिटी गुरुग्राम की, तो यहां भी लॉकडाउन का कोई असर दिख नहीं रहा। शहर की सड़कों पर शेयरिंग ऑटो और गाड़ियां धड़ल्ले से भाग रही। इन्हें रोकने और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए शहर में कभी भी पुलिस की सख्ती और बैरिगेटिंग दिखाई नहीं दे रही। वहीं अगर बात करें सब्जी मंडी की, तो वहां भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। शहर के ऐसे हालात तब हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति और व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिवस प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री दूसरी बार गुरुग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसे लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री द्वारा सख्त कदम उठाने के निर्देश देने के बावजूद शहर में लॉकडाउन का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा। इससे पहले भी गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार यहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगा चुकी है, बावजूद इसके कोरोना संक्रमण कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में साइबर सिटी में सबसे ज्यादा 3609 कोरोना केस सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 13322 नए केस दर्ज हुए। अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने भले ही पूरे प्रदेश में सप्ताह भर का लॉकडाउन लगा दिया हो, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अगर लोगों की लापरवाही ऐसे ही जारी रही तो ये जान पर भारी पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें प्रदेश के दूसरे जिलों की, तो वहां भी इसी तरह से लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। इतना ही नहीं, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पहले की तरह ही दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की, तो उन्होंने भी ट्वीट करते हुए प्रदेश के लोगों से इस लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, जिसके चलते लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब सरकार ने एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है। कोरोना के जो नियम है उनका पालन करें, लेकिन सभी कदम उठाने के बावजूद भी लोगों ने कोरोना के नियमों की पालना नहीं की, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। आज एक्टिव मरीज 1,00,000 से ज़्यादा हैं और लगभग 15,000 मरीज रोज जुड़ रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर इस चेन को तोड़ने के लिए हमने ये लॉकडाउन लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।